ना डॉक्टर से करवाई है जो ना काफी बेस्ट डॉक्टर है, मतलब तो बस अब ये भी दुआ है कि अम्मा को अल्लाह ताला ओके तो चले ऐसा के गाड़ी में बैठ गए हैं। तो अब से मीना का ख्याल भी लाल रखेगा और अनफा का भी, ठीक है? परेशान नहीं, अनफा का ख्याल रखूंगा। जब निकाला मैंने अनफा का नाम लिया। अनफा मम्मा को क्या हुआ है? तो मीना को कौन मिलने आया है? अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग उठे थे लेकिन अलार्म भी नहीं चला हमारा, 6-6 बजे हमने उठना था, 7 बजे बाकी ये था। फिर हम लेट ही निकले हैं, थोड़ा सा जो हमने सोचा था उस हिसाब से नहीं। रास्ते में हम लोगों ने मोमना भाभी की जो अम्मी है उनको खजूरें वगैरह भी देनी थी तबरुक, वो भी हमारा रह गया। खैर अब जो है ना हम लोग गुजरांवाला पहुँच गए हुए हैं। आज हम लोग किस लिए आए हैं, आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब हम मतलब सऊदीया से वापस आए थे उमरा करके, कि अब मेरे मामा का ना ट्रीटमेंट वगैरह करवाना है। तो मामा का ट्रीटमेंट जो है वो मैंने ही करवाना है आके, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ ताकि उनका थोड़ा सा चेकअप वगैरह करवाऊँ, डॉक्टर से बात वगैरह करूँ क्या किस तरह से होगा, तो ताकि उनकी जो सर्जरी है वो हो जाए, क्योंकि ज़्यादा जो है ना इशू नहीं बड़ा कर सकते। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं अब और फिर जा कर मामा से मिलते हैं। चले जी घर पहुंच चुके हैं हम और अनफा को अब देते हैं मामा को और निकलती हूँ मामा से मिलती हूँ। चले आ जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, निकल रही है? आज सर्दी है। वालेकुम सलाम। आज हो गया जी, आज सर्दी है तो तुमने डाला कुछ। क्या हाल है? ठीक ठाक। चलते हैं और जाके देखते हैं नीना क्या कर रही है। नीना सो रही है। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह माय गॉड ठंड। एक मिनट ठहरो। हाँ जी उठो। नीना को मैंने ऐसे ही ले लिए। ए उठे, तेरी बड़ी शिकायतें आई हैं, तेरी बड़ी शिकायतें आई हुई हैं मुझे। अलीना व्लॉग्स, इसको क्यों लाए तू बाहर आना जरा। नहीं 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 इसको नहीं लेके आना। मेरा बच्चा मेरी जान से टूटा। तस्वीरों में तो ऐसे ही लगती है जैसे पता नहीं कितना है। लेकिन रियल में नहीं है ना। आ जा ना, यही आया है। भूख लगी हुई है बड़ी। क्या बात है, वाह मेरा तो दिल कर रहा है अभी खा लूं मैं ये। चलें जी अब पहुंच गए हैं हम लोग। अब ना फटाफट नाश्ता बना दो, भूख बहुत लगी हुई है और मेरे तो हाथ का अंपरे इतनी ठंड। आप लोगों के घर तो जब भी मैं आती हूँ ठहरती हूँ मैं। तो जैसी डालो ना, पाँव भी ठहरते हैं मेरे, बहुत ठंड है, बहुत ठंड। मेरा बच्चा एकदम उठ जाता है, बच्चे को टांग ना करो। तुझे नहीं बताया? नहीं, वो बेचारी सो के उठी है। तो ले जी इस टाइम हम लोग जा रहे हैं घर के पास, मतलब 10 मिनट पे हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल, वहाँ पे अपॉइंटमेंट है मामा की, वहाँ पे चेकअप वगैरह करवाएंगे। और बिलाल ये हैं और अनफा ये मेरी गोद में है और मामा पीछे बैठी हुई हैं। तो बस फिर वहाँ जाके ना देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है और फिर कौन सा स्कैन वगैरह, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाना है। तो यहाँ पर ऐसा है कि समीना और समीना की जो मम्मा है ना तो वो गई हैं चेक करवाने के लिए, तो मैं वेट कर रहा हूँ और बैटरी भी खत्म होने वाली है, शायद मैं अंदर चला भी जाऊँ अभी, कोई पता नहीं है। तो चले मिलते हैं आपको बाद में जी। तो रात को ना हम लोग खाना वगैरह खा के ना सो गए हुए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो अभी मामा के साथ बैठते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। दूसरा हॉस्पिटल के अंदर वीडियो नहीं हमने बनाई क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ गुजरांवाला है, गुजरांवाला में ना हम काफ़ी वो रेजिस्ट करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे ही है। तो बिलाल भी आ चुके हैं, अभी हमने नाश्ता किया है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मामा ने मेरे लिए बड़े मज़े के ना गुड़ वाले चावल बनाए हैं जो मैंने स्पेशल मामा से कह के बनवाए हैं। अब मामा के पास चलते हैं और जाके उनसे बात करते हैं। हाँ जी आ जाओ मामा, अनफा सोई हुई है, आ जाओ। हाँ जी जी मामा आ गई हैं। मामा जो है ना बस अपना ध्यान नहीं रखती, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या
यहाँ पर देखें जी, मामा की ये पड़ी हुई है रिपोर्ट और जो स्कैन की है दूसरी, पता नहीं मामा ने कहाँ पर रख दिया रात को, अब ढूंढ रही है। कोई बात नहीं, रहने दो, चलो आ जाओ। मुझे ना असल में नाजी आई थी ना, तो उसने कहीं रख दिया। हाँ जी, कैसी तबीयत है? आपके लिए लोगों ने बहुत दुआएं की इंस्टा पे। अल्लाह ताला उनको जजा दे, उनका बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका भी शुक्रिया। कोई बात नहीं, इतना टाइम निकाला मेरे लिए। कोई बात नहीं, टाइम आपके लिए बड़ी खुशी की निकालना ही था। पता है क्यों? क्योंकि काफ़ी देर का मैंने बोला हुआ था कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि ऐसा था कि जब मेरे पापा को प्रॉब्लम हुई थी ना तो मैं यहाँ पे नहीं होती थी, तो फिर उनका मैं उस तरह से चेकअप नहीं करवा सकी। लेकिन अब जाहिर है मामा का तो ध्यान रखना पड़ता है ना, और क्योंकि घर में सिर्फ रहते ही तीन लोग हैं, एक अलीना है, अलीना तो वैसे ही रह रही है यहाँ पे, अबू बकर क्योंकि बाहर है, तो मामा जो है, मामा है यहाँ पे, पढ़ रही है ना। हाँ, अलीना की भी पढ़ाई है, तो फिर वो जो है चली जाएगी, लेकिन यह कि थोड़े से तो लोग हैं हमारे, है ना। अच्छा जी, ये हमने ना डॉक्टर से करवाई है, जो गुजरांवाला में ना काफ़ी बेस्ट डॉक्टर है, मतलब जिनका स्कैन जो है ना कोई भी रद्द नहीं करता, डॉक्टर ताहिर सदीकी जो है, उनसे करवाई है। तो फिर मामा की जो है ना गाल ब्लैडर में जो पथरी है वो काफ़ी देर की है, तो इनको दर्द वगैरह होती थी, तो साथ में इनका एक और मसला है फैटी लीवर का। तो मेरे जो है ना कुछ कांटेक्ट में डॉक्टर्स वगैरह हैं, काफ़ी अच्छे हैं, डॉक्टर शहरोज है, तो उनसे तो मैं एडवाइस लेती रहती हूँ मामा के बारे में, है ना। तो वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने पापा के टाइम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी माशाल्लाह। वो MBBS है, FCPS है इसके स्टमक और लिवर के। तो अभी जो है ना फिर रमज़ान क्योंकि आगे आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने यही कहा है कि आप ना इसे रिमूव करवा लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मामा को प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, है ना। तो लेकिन मामा कह रही है नहीं, मैंने अभी नहीं करवाना है, रमज़ान में है, रोज़े रखने हैं। तो मामा जो है ना वो माशाल्लाह पूरे रोज़े रखती हैं, और बल्कि नफली पहले भी रख रही होती हैं, जो अक्सर होते हैं जो जुमेरात को लोग रखते हैं, सोमवार को रखते हैं, सोमवार का तो अभी अंदर अंदर से स्किप हो जाते हैं, लेकिन जुमेरात को मैं रख रही हूँ। हाँ, तो ये है कि फिर मामा ने कहा ईद के बाद मैं करवा लूँगी, तो ईद के बाद ना फिर देखें, क्योंकि अभी मेरे भी पाँव का मसला हुआ है नेल का, तो मैंने जाते ही ना यहाँ से, मतलब आज हम अभी जा रहे हैं और यहाँ से मैं जाते ही मैंने भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, क्योंकि मेरे पाँव का मसला हो रहा है। तो फिर मैं तब तक ना, डॉक्टर ने कहा आप ना एक्सरसाइज करें, वॉक करें अपने लीवर का जो है ना, उसके लिए आपकी फैटी लीवर जिनको भी होता है ना, उनको वॉक एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो फिर मामा जो है ना वो अब करेंगी, और फिर एक्सरसाइज के लिए मामा ने क्लास भी ज्वाइन की हुई है। बस वो तुम लोगों ने इतना पोस्ट किया, वरना मैं तो क्योंकि वॉक करने जाती नहीं थी प्रॉपर, जब भी कोई टेंशन होती थी ना तो बैठी रहती थी, जाती नहीं थी, तो एक्सरसाइज क्लास का ही होता है कि जाना ही पड़ना है, वहाँ पे औरतें होती हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है बस। तो बस आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा मामा के लिए, क्योंकि मेरे पापा के बाद मेरी मामा ने हमें बहुत ज़्यादा किया है। मतलब जब वो उनकी डेथ हुई थी तो तब किसी की भी हमारी शादी नहीं हुई थी, अलीना भी थी, फिर मैं भी थी, हसन हुसैन, तो हसन तो बाहर चला गया ना, दुबई चला गया माशाल्लाह। तो फिर मामा ने मेरी पहले शादी की, फिर अलीना की, तो फिर अब जाहिर है उनका भी तो हमने ध्यान रखना है। तो बस अब ये भी दुआ है कि मामा को अल्लाह ताला उम्रा भी करवाए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा ना उनको ना लगाव है कि मैं ना अल्लाह का घर देखूँ। आमीन। ये तो बस दिल में हसरत है, पता नहीं अब अल्लाह ताला का काम है, जब अल्लाह ताला ने बुलाना है तब इंशाल्लाह अल्लाह खैर के। बस तो बस फिर अब हम मतलब ईद के बाद फिर मैं आऊँगी, तो फिर मामा का ना एक दिन में ही ये ऑपरेशन हो जाएगा, फिर नाजिया है, मैं भी होंगी, करवा लेंगे, क्योंकि रमज़ान में हम नहीं आ सकते, क्योंकि बिलाल का है मसला, उन्होंने मतलब रेसिपीज़ वगैरह बनानी होती है, बहुत बिजी होते हैं, तो अभी जो है खाना आने का बनता था, तो फिर इस वजह से। चले ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, चावल वगैरह कम खाना, जो डॉक्टर ने कहा है, दवाई जो दी है वो खाना, और एक्सरसाइज क्लास जरूर जाना। चलो सही है, चलो जी, अल्लाह ताला फिर अब हम निकलते हैं। शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने घर में खुश रखे, बात रखे। बिलाल का तो वाकई शुक्रिया, बिलाल लेके आए हैं, और बिल्कुल। चले जी, अब जो है जाने का टाइम है, और इधर अनफा भी उठ चुकी है, और अनफा का बलून भी रेडी है जो मामू लेके आए हुए हैं, ठीक है, और नानों ने ले लिया। चले मम्मा फिर, ओके फिर इंशाल्लाह, रमजान में अगर चक्कर लगा तो ठीक, नहीं तो फिर अपना ध्यान रखना। तो नहीं, इफ्तारी पे तो आना है। चलो ठीक है, आएंगे इंशाल्लाह, एक दिन के लिए आ जाएंगे सुबह। ओके सुनैन, ओके जी, ओके, अल्लाह। चलो जी निकले लाहौर, चले चले घर, घर चले अपने। चलो जी आ जाए, चलते हैं।
मैंने जाके ये इसका पाँव का कुछ करना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो गई है। चलो ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज़। बिलाल भी आने लगे हैं। हाँ चलें ठीक है। और धूप आज बहुत अच्छी निकली है लेकिन मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, है ना अनफा। मामू से अनफा मिलने लगी है। ये लो जी अनफा से। चलो जी मामू से प्यार मिल गया। नानो और अलीना जो है ना वो गई हुई है यूनिवर्सिटी। अलीना ने बहुत मिस करना है। 2 बजे उसने आना है लेकिन हम 1:30 बजे निकल रहे हैं। चलो ठीक है, मामा उदास ना होना ठीक है। ये देखें जी हमारा जो लॉन है ना, ये इस मौसम में ऐसा हुआ हुआ है, नहीं तो बहुत प्यारा लगता है। तो बस अब बलून पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं, जाके गाड़ी में बैठते हैं। माशाल्लाह अल्फा आपको छोड़ के चले जाए यहाँ पे, आपको छोड़ के चार जाएगी मामा पापा के चार जाएगी। अनफानी कभी भी हमारे अलावा नहीं। ये बलून रखो, ओए ओए बलून ही ना फट जाए। ये देखे सामान चेक करें कितना ज़्यादा, हालांकि हमें एक दिन के लिए ही आए थे। अनफा की वजह से सामान ज़्यादा था। वाओ कितना प्यारा लग रहा है ग्रीनरी यहाँ पे। ये लीमू लगे, वो देखो चिड़िया कहाँ बैठी है, लीमू लगे हुए हैं चाइना के। ये देखो ये छोटे से हैं, अभी बड़े हो रहे हैं फिर उतर जाते हैं। कि पहले हम आते थे जब अनफा नहीं थी तो हमको सामान नहीं लेके आते थे। हाँ बस अभी, और ये घर देखें कितना प्यारा बन गया। ऑर्डर करें इसको, हाँ ये लाजमी ऑर्डर कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। ओके फिर मम्मा अल्लाह हाफिज़। चले जी माशाल्लाह, चलो आगे। ओके जी अल्लाह, अलीना को भी कहना हमारे। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अब हम दावत करेगी तो फिर हम आएंगे इंशाल्लाह। बाय, अल्लाह हाफिज़। तो चलें जी, अगला दिन शुरू हो चुका है, सुबह हो चुकी है। आज अपॉइंटमेंट है समीना की, क्योंकि समीना का जो नेल है ना पाँव का, उसको निकलवाना है और डॉक्टर ने हमें बुलवा लिया है। अब जाएंगे हम और देखते हैं क्या होता है। समीना बहुत ज़्यादा ना डरी हुई है। समीना डरो ना, मैं साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई सोच सोच के मेरा आज क्या हाल होना पता नहीं। सही, बस चलते हैं फिर। चले आए, चलते हैं ना। आ जाओ। मैं आप लोगों को बताऊं, कभी तंग जूता ना पहने, कभी तंग शूज ना वो पहने। उससे पता क्या होता है, जो उसकी जड़ होती है नेल की वो टेढ़ी हो जाती है हमेशा। नेल फिर टेढ़े होता है ऊपर से। लेकिन मम्मा हाँ। अभी कभी ऐसा हुआ है, मुझे लगता है होता होगा बच्चे के बाद शायद, लेकिन चले चलते हैं। चले बस समीना डरो ना, मैं साथ हूँ, निकलते हैं फिर। अनफा को इसलिए घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि समीना की वापसी पर तबीयत ठीक नहीं होगी, तो इसको मैं संभाल लूंगा। वैसे भी ऑपरेशन थिएटर में बच्ची को थोड़ी लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए आज। देख लो रुक जाओ, छोड़ दो कि मैं नहीं आना, अभी भी वक्त है, आ जाओ। दर्द होगी, दर्द होगी, मेरी बात मानो, अभी वक्त है, रुक जाओ ना जाओ। अभी हाथ को क्या हुआ, मैंने ना शावर लिया, मेरा पाँव ना नरम था, मैंने सोचा नहीं जाती सही हो गया। ऐसे होता है ना, होता है ऐसे कभी कभी लगता है। नहीं ना फिर भी आज जाओ, मैं मजाक कर रहा हूँ, जल्दी करो, जाना चाहिए क्योंकि बार बार दर्द से बेहतर है कि बंदा एक बार दर्द बर्दाश्त कर ले। क्या चलें जी, अल्लाह का नाम लेके हम निकल चुके हैं और बस अल्लाह ताला बेहतर करे समीना के लिए, समीना को पेन ना हो और इजीली जो नेल है ना निकल जाए, और इंशाल्लाह और अल्लाह ताला बेहतर करे समीना के लिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। ठीक है, मुझे इंस्टा पे सब ने कहा था कि इसको आप ना रिमूव करवा लें, लेकिन मैं मतलब पहले भी मैंने सोचा नहीं, जनवरी पूरा मैंने ऐसे गुजार दिया कि खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब बस दुआ करते हैं और पहुंचते हैं, डॉक्टर जो हैं वो हमारे जानने वाले ही हैं, बस अल्लाह करे सही से हो जाए। चलें बस दुआ करें आप भी, तब तक तो निकल भी चुका होगा। नहीं समीना को आराम आ जाएगी, वीडियोस बहुत लेट डालते हैं, कोई बात नहीं। चलें जी पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। डरना नहीं है, मैं पास हूँ, मैं पास, डरना नहीं है। चलें ठीक है, क्या होता है। हेलो,
ऐसा है कि जो समीना है ना ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी है। समीना डर बहुत रही थी कि मैंने भी लाल के साथ जाना, लेकिन अलाउ तो नहीं होता, आप लोगों को पता ही होगा। तो चले अब अल्लाह ताला बेहतर करे, 15-20 मिनट लगेंगे डॉक्टर ने बताया। ओके बेटे, ठीक है। तो चलें जी, ऑपरेशन हो चुका है। तो अब ऐसा है कि डॉक्टर ने कहा है कि आप 10 मिनट बैठ जाएं, आराम करें, उसके बाद आप घर जा सकते हैं, ठीक है समीना? हाँ जी। और मेडिसिन वगैरह लिख दी है डॉक्टर ने? सभी नीचे जाते ही खानी है क्योंकि हाँ। दर्द वो सुन है ना अभी। सही सही। तो फिर ये ना दर्द हो, मैं ऐसे तड़पूं दर्द से। चलो ठीक है, कोई नहीं, परेशान नहीं होना, मैं साथ हूँ ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा है, इतना वो नहीं कि आप लोग समझे कि बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा। तो चलें ऐसा कि गाड़ी में बैठ गए हैं, समीना को बिठा दिया है, अब सफ़र है तकरीबन 40 मिनट का, घर पहुंचते हैं, फिर समीना आराम करती है। तो अब समीना का ख्याल बिलाल रखेगा और अनफा का भी, ठीक है? परेशान नहीं होना, अनफा का ख्याल रखूंगा मैं। अब खुद आपका ख्याल रखना चाहिए, मैं मुझे इसी वजह से टेंशन नहीं, नहीं कोई नहीं, दो दिन की बात है, खैर है, 2 दिन मैं समीना को नाश्ता बना के दूंगा और खाना भी मैं खुद समीना को पेश करूंगा नीचे से ला के, ठीक है? रोटियाँ हम ही पका देंगे, ठीक है? ओके चले चलते हैं। चले जी, घर पहुंच चुके हैं हम। चाची की खबर ले ना, चाची की खबर ले। मैं कह तू ना जा, चाची का हाल नहीं देखना, मैं खबर लेनी है उसकी। मैंने लापती मम्मा को क्या हुआ है, मम्मा को क्या हुआ है, अनफा मम्मा को क्या हुआ है? अच्छा मेरे एक बात, मम्मा को क्या हुआ है? समीना को कौन मिलने आया है? मोमना भाभी। जब हम आए थे तो मोमना भाभी घर में नहीं थे तो मैंने कहा पता करके आई, पता चला था ना पहले, मैं क्या करूंगी, मेरा क्या बनेगा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका ही है जब अनमोल पैदा हुई थी। किसी ना किसी को, हर किसी को मसला होता है जब पहला बच्चा पैदा हो, कोई ना कोई मसला जरूर होता है। खुश होता बहुत ज्यादा, आराम से पांव पर ना लगे दिन मोर। अच्छा वो खत्म हो गया होगा जो उन्होंने किया था, ऐसे पांव उठा के चलना पड़ेगा ना।